हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और सभी लोगों का स्वागत है। एक बार बता देंगे कि आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर, एक बार चेक करें आवाज़ बता दें। हाँ सर, एक बार क्लियर है, हार्ट बना दे, थम्स अप दे दें, जो करना है वो कैसे भी बस इन्फॉर्म करके बता दो कि यस सर सब कुछ क्लियर है। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू गेट एकेडमी। और आपको दिख रहा होगा जनरल एप्टीट्यूड कमिंग सून यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं और पीछे हमको यहाँ पर ब्लर दिख रहा है आपको, हालांकि इमेज से आप गेस कर लिए होंगे। बट कोई ऐसे अगर स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते कि हम लोग कौन कौन तीन लोग एप्टीट्यूड यहाँ पर लेने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ, दो लोग और हैं मेरे सामने ही बैठे, मैं बुलाता हूँ उनको। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप लोग तैयार हो, क्या आप लोग रेडी हो, बिकॉज ये एक नए स्टाइल से हम लोग डील करने वाले हैं। और चूंकि टाइम हमारे पास फरवरी के मंथ में हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है, एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे कि भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, घुमा के दिखा देंगे। कंसेप्ट जो है उसको किस लेवल पर रखना है उसका केयर किया जाएगा। एसएससी और कैट के बीच में गेट का एग्जामिनेशन होता है, हालांकि कई बार एसएससी में भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या ये ईएससी के लिए फायदेमंद होगा, तो 100% ये ईएससी के लिए भी फायदेमंद होगा। सो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो सिलेबस क्या है एप्टीट्यूड का, अगर आप फर्स्ट देखते हो, है ना, अगर आप गेट का सिलेबस देखते हो, सबसे ऊपर एप्टीट्यूड लिखा होता है, ये उसका सिलेबस ऐसा दिया होता है आपको। तो सिलेबस कैसे डिफाइन है, आईआईटी केजीपी वाले, दैट मीन्स खड़गपुर आईआईटी से क्वेश्चन फ्रेम होना है। इसके पहले 2014 में फर्स्ट टाइम जो था, देखिए जो एप्टीट्यूड है ना, अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो 10-11 में इंट्रोड्यूस उसको किया गया था, ठीक है, उसके बाद से सिलसिला चला, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं या क्या जो हम कंसेप्ट देने वाले हैं, उस कंसेप्ट में कितने प्रतिशत, मतलब अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो कितने परसेंट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो स्टूडेंट के माइंड में यह आता है कि सर क्या क्या चीज कवर होने वाली है और क्या क्या सीक्वेंस होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड 11 बजे हम लोग जो था पहले भी पढ़ाते रहते थे, रात में मैं क्लास लेता था, नंबर सिस्टम में मैंने निंजा टेक्निक्स वगैरह दिया था, इसके बाद ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वगैरह में
मैंने बात करी थी बचपन के प्यार वाले सेशन की, तो कितने लोग वो देखे हैं भाई एक बार बता दे। और 100 पे 100 लोग जैसे ही हो जाएंगे, 100 जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टीम इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मतलब टीम तो हालांकि आपको पता ही है कौन कौन लोग हैं। 11:07 हुआ है और एज सुन एज पॉसिबल आप लोग शेयर करेंगे। जो बच्चे जानते हैं गेट अकेडमी को, अपने स्टेटस पे लगा लो यार, आप लोग को देख के बाकी लोग को भी पता चल जाएगा कि यस ये टीम वापस से आ गई है। मैं बता दूं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये, सबकी क्लासेस चल रही थी, ठीक है। सभी लोग, अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में नव बिहान बैच करके स्टार्ट किया था, वहां पर हम लोग की टीम क्लास ले रही थी। इसके अलावा गेट अकेडमी में स्मार्ट कोर्स में मैथ्स और एप्टीट्यूड हुआ था, उस टाइम पे बिजी थे सारे। इसके अलावा गेट अकेडमी का जो लाइव फुल कोर्स चल रहा था उसमें भी एप्टीट्यूड की क्लास चल रही थी, तो वहां पर भी क्लास चल रही थी और अभी भी चल रही है, शाम को रोज होती है क्लास। और अभी 3 से 4 दिनों में अंशु वर्मा सर की क्लास वहां पर खत्म हो जाएगी और फिर मैं नंबर सिस्टम पे बात करूंगा फुल कोर्स वाले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड लिए हुए हैं लाइव सिर्फ एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, तो वो भी एक क्लास है, वो सिंगल सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास आया था, सर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग से हूँ, सर मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से हूँ, तो वो मैथ्स और एप्टीट्यूड लेकर के पढ़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे आप में से भी ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे हो जिनका ब्रांच, जो गेट अकेडमी 7 ब्रांचेस का कोर्सेस प्रोवाइड करती है, इसके अलावा, और आप अपनी अपनी एक बार ब्रांच लिख देंगे शॉर्ट में, सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी ब्रांच लिख देंगे शॉर्ट में, एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार अपनी ब्रांच शॉर्ट में लिख देंगे, बता देंगे। सीएस वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, सुमित है, उत्कर्ष है, नितेश, हर्षित है, दीपांजन, आईटी ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, केमिकल ब्रांच से हैं, एजी देखो एग्रीकल्चरल ब्रांच से भी भाई यहाँ पर है यहाँ पर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल है ना, संगीता आईएन ब्रांच से है, मैकेनिकल ब्रांच से है, तो सिविल ब्रांच से यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। तो सारे ही ब्रांच में मैथ्स और एप्टीट्यूड कॉमन होता है और जनरल एप्टीट्यूड तो सारे ब्रांच का एग्जैक्टली सेम होता है। हालांकि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स थोड़ा सा अलग होता है, जैसे अगर मैथ्स बोलूँ तो सिविल वालों को कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट जनरल एप्टीट्यूड, ये जो 15/15 लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम होता है मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, एग्जैक्टली सेम होता है। और आज 11:11 है, तो मैं आपको बता दूं 11:11 पे मैं अपने दोनों खिलाड़ियों को यहां मंच पे आमंत्रित करूंगा। 11:11 11:11 पे, ठीक है, 11:10 हुआ है, एक बार हार्ट्स बना देंगे सारे। और मैं चाहता हूं 111 लोग रहे 11:11 पे 11 तारीख को, 11 नवंबर को 11:11 और हो गया 11, बहुत बढ़िया। तो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों थैंक यू सो मच, हार्ट्स बना के बता देंगे। और मैं बुलाता हूँ यहाँ पर 11, अरे यार बज नहीं रहा यार ये 11, हो गया क्या 11? 11:11 टाइम पे हो चुका है भाई 11:11, तो यहाँ पर बुलाते हैं यादों की बारात लेकर के, आ जाओ भाई सिद्धार्थ पांडे सर, अंशु वर्मा सर अभी जो है घाट से आ रहे हैं पूजा करके, बकायदा यहाँ पर एकदम तिलक लगा के स्वागत किया जाए इनका। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जरा कैसे हैं आप? और गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेटा गेट अकेडमी के लाइव यूट्यूब लाइव पे। लाइव ऐप की आदत हो गई सर लेते अभी यूट्यूब लाइव पे। अभी इन लोग को, बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप लोग कहाँ चले गए थे, तो मैं बता दूँ ये भी लाइव ऐप पे क्लास ले रहे थे, मैं भी लाइव ऐप पे क्लास ले रहा था, इनकी क्लास जो है चली रही है। कौन सब्जेक्ट, क्या टॉपिक, क्या चल रहा है अभी? सर अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, आज कंप्लीट करेंगे टाइम एंड वर्क, फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। बढ़िया, सो इनकी क्लास अराउंड 14-15 तक चलेगी और उसके बाद, अभी मैं बता दूं अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्या प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग जो है यहां पर एक बहुत ही खतरनाक टाइप का कंसेप्ट लेकर के आएंगे, 11 जो हमने लिखा हुआ है, तो आज जो है बताना चाहते हैं कि क्या, और आप लोग बताइएगा कि सर इतना अच्छा और इतना डिटेल में आप लोग कैसे सोच पाते हैं। बिकॉज मैं बता दूं, कोई भी हम प्लान करते हैं हम अपने साइड से कुछ सोचते हैं, धांडे सर से डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है इसको ऐसे कर लो,
वो फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, नहीं इसको ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो, है ना। तो हमारे जो फुनसुख वांगड़ू सर है ना, तो वो बता देते इसको ऐसा करो, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और ये आपके जो यहाँ पर फैकल्टीज हैं दोनों, ये क्या क्या टॉपिक डील करेंगे, अपने टॉपिक्स के बारे में दोनों बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो भाई कंसेप्ट है लड़ाई का, कंसेप्ट है कॉम्बैट का, कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है कॉम्बैट का। आप बोलेंगे सर कॉम्बैट तो हम लोग लाते थे, बट इस बार कॉम्बैट में भाई नया है, इस बार जो हम लोग कॉम्बैट कर रहे हैं ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड का अलग रहेगा यार। टेक्निकल वाले सर लोग अपना अलग करते होंगे, हम एप्टी वाले थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। तो कॉम्बैट का इस बार का कंसेप्ट जो है वो डेली दो क्वेश्चन का कंसेप्ट है, डेली टू क्वेश्चन हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि डेली दो क्वेश्चन आपके पास। अब आप बोलेंगे सर ये डेली दो क्वेश्चन आप जब कराएंगे तो सर कितने टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, 60 सवाल ताबड़तोड़ सवाल, 60। इसका मतलब ये हो रहा है कि 30 दिन तक ये सिलसिला चलने वाला है। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है, 60 और बस उतने ही 60 क्वेश्चन करना, और इसमें वर्बल नहीं है भाई, अंग्रेजी माध्यम वाले हम लोग नहीं है, वर्बल अपनी मर्जी से पढ़ लेना। और मैंने बताया था एक वीडियो भी मेरा आया था कि क्यों इंग्लिश पढ़ें कि नहीं पढ़ें करके, वो वाला वीडियो भी देख लेना, समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। और इस 60 सवाल में, इस 60 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो ये 20 20 और 20, ये 20 20 20 हम लोग क्वेश्चन आपस में बांटने वाले हैं, 20 20 20 क्वेश्चन हम लोग आपस में बांटने वाले हैं। इसका मतलब 10 10 10 दिन, इसका मतलब टोटल 30 दिन, इसका मतलब 60। और सुनते जाना, अभी बहुत ज़बरदस्त गेम होने वाला है। इन 20 सवालों में मैं आपको बता दूं, अगर आप एस्पिरेंट 23 के भी हैं और 22 में गेट लिख रहे हो तो भी आपको अटेंड करना है। सर टाइम क्या रहेगा? सुबह 11 बजे भाई, टाइम रहेगा सुबह 11 बजे। अगर तुम कॉलेज भी अटेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चुपचाप अपना जो है मोबाइल पीछे बैठ जाना, थोड़ा सा देख लेना, है ना। हम लोग भी ऐसे करते थे यार कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था, यही लोकल कॉलेज था भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से, मैं पास आउट हूँ, इंजीनियरिंग मैंने करी है। तो जब हम लोग भी पढ़ते थे, सुबह सर की क्लास होती थी धांडे सर की, सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक भागते थे, 10 बजे क्लास होती थी, वहाँ पे जाके पीछे बैठते थे, पीछे बैठ के वर्कबुक सॉल्व करते थे। आप लोग को भी सेम ऐसे ही करना है। और मैं लास्ट में बताऊँगा कि आप लोग के लिए इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा क्या? चलो मैं गिव लिख देता हूँ, आगे तुम बताओ क्या होने वाला है। मैंने अगर गिव लिखा तो आगे बताओ क्या होने वाला है, आगे बताओ भाई। अगर मैंने लिखा गिव, गिव मतलब दिया, आगे बताओ तुम लोग क्या होने वाला है, क्या हम लोग का प्लान है, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और अगर समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं, अब सर ये 20 क्वेश्चन में आप क्या लेने वाले हो, मैं अपना सिलेबस लास्ट में बताऊंगा, पहले देखते हैं इनका सिलेबस क्या और इनका सिलेबस क्या। यस अवे, यस एक बच्चा लिख रहा है स्कैम, आप स्कैम नहीं है भाई, है ये वो मेहता वाला चीज़ नहीं है भाई, है ना, 1992 वाला चीज़ नहीं है ये, है ना, ये एकदम। और क्या, मैं तो मेरा वीडियो आप लोग देखना, मैं तो पूरा बुक का बंडल लेके आता हूँ, पर इस बार बुक भी है, इस बार टेस्ट सीरीज भी है। क्या क्या हम लोग गिव अवे करने वाले, मैं बता दूँ, हम लोग प्रीवियस ईयर की बुक भी करने वाले हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज भी करने वाले हैं, और एक गजब की चीज़ आप लोग को मिलने वाली है, और जो रेगुलरली इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए कुछ गजब का प्लान यहाँ पर है, और वो प्लान स्पेशली गेट 2022 में अपीयर करेंगे और 23 में भी प्लान कर रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ गजब का है। वो मैं आज रिवील नहीं करूँगा क्योंकि सब कुछ आज बता दूंगा तो तुम लोग कलाओगे नहीं, तो आज हम लोग नहीं बताएंगे। और कब से आप स्टार्ट करने वाले हैं सर, है ना, ये कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बता दूँ कल 12 तारीख है, और 12 तारीख धांडे सर का बर्थडे है, गजब गजब का हम लोग उसमें कोर्सेज में, मतलब क्योंकि साल में बर्थडे एक बार आता है भाई, है ना, यस सर, ऐसा तो नहीं कि 3 बार बर्थडे आ जाएगा, है ना। देखो फेस्टिवल बहुत सारे आते हैं, होली आता है, दीपावली आएगी, फिर ये, फिर वो, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, बट बर्थडे और वो भी धांडे सर का साल में एक ही बार आना है, तो 12 नवंबर को ना जबरदस्त माहौल रहने वाला है। आप YouTube परिवार से जुड़े रहिएगा, और ऑफर्स ये वो दुनिया सारदारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं आप लोग के कमेंट लूँगा मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, डोंट वरी। और एक बच्चा पूछ रहा है सारे का आंसर देंगे हम लोग, सारे का आंसर देंगे, जो भी कोई डाउट होगा, अगर आपके ब्रांच से रिलेटेड कुछ है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मेरा तो नंबर आप सबके पास है।
20 क्वेश्चन ये कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं और क्यों ये इन्होंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, ये इन्होंने क्या प्लान किया है, वो 20 क्वेश्चन पहले जानते हैं, फिर मैं लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा अपने 20 क्वेश्चन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आपने अभी कुछ समय पहले जब हम डेली 11 बजे मुलाकात कर रहे थे तो मैंने काफ़ी सारे आपके टॉपिक कवर किए थे और देखा जाए तो लगभग पूरा एप्टीट्यूड आपकी गेट अकेडमी पर अवेलेबल है। आप बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। ओल्ड प्लेलिस्ट जो है उनको विजिट कीजिए जहां पर हमने बहुत सारे प्रकार के टॉपिक्स को भी कवर किया है। मैंने अंशु सर ने मेंटी को लेकर के आए थे तो मेंटी के अंदर भी बहुत सारे जबरदस्त वाले क्वेश्चंस हैं, आप वहां से भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सर कोई मेहनत नहीं करने वाला, आप तो कल से आकर के पूरा फिर से एकदम ABCD से पढ़ाओ, ठीक है। ये वक्त नहीं है ABCD से पढ़ने का, ये वक्त कुछ बेहतर कर दिखाने का। तो उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाओ। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लगभग आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, है ना। तो बढ़िया तरीके के साथ तैयार हो जाओ क्योंकि कल से मैं लेकर के आऊँगा, हमारी टीम आपकी ट्रिनिटी लेकर के आने वाली है आपके लिए गेट के लिए ये ज़बरदस्त तरीका कॉम्बैट। पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, गिव अवेज है बहुत सारे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है जैसा कि सर ने बताया कि 60 क्वेश्चन हमने फ्रेम किए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन भी करना है, नहीं तो जनरली क्या होता है सर PDF दे दो, सर PDF दे दो, अरे भाई साहब आप भी तो कुछ करो सर। डेली दो क्वेश्चन है सर, डेली डबल धमाका। हाँ डेली दो क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से। तो एक बार सारे बच्चे एक बार थोड़ा सा हार्ड बना दीजिए कि जिन्होंने मेरे साथ एप्टीट्यूड कवर किया था, जिन्होंने मेरे साथ एप्टीट्यूड कवर किया था अभी जब हम पढ़ रहे थे कुछ समय पहले, उसके बाद सर ने आपको बताया कि स्मार्ट कोर्स की लाइव वेब क्लासेस, गेट जो हमारा रेगुलर कोर्स होता है उसकी लाइव वेब क्लासेस, बहुत सारे बच्चे आप यहाँ पर शायद तक लाइव वेब क्लासेस वाले भी होंगे, है ना। तो चलो भाई, याद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चलो भाई ज़बरदस्त। तो अपने संगी साथियों सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देना कि कल से दोबारा से ज़बरदस्त तरीके की शुरुआत हो रही है और ईच एंड एवरी डे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि वैसा वैसा छपा छपाया भी आपको मिल जाए। बेटा IIT खड़गपुर की तैयारी करनी है, फेस्टिवल सीजन अब ऑफ होता है, अब प्रिपरेशन मोड पर आ जाओ एकदम, मतलब मोड पर आ जाओ यार। सर क्या बोलते हैं, मिशन मोड में आ जाओ, है ना सर। नवंबर का मंथ अब देखो एंड पे है ना, अब हमारे पास हार्डली 2.5 मंथ है, तो मिशन मोड में आ जाओ। हम लोगों से आपने काफी बार पढ़ा होगा लेकिन इस बार डबल धमाका है। जैसे सर ने बोला ना भाई दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो दो क्वेश्चन क्या लगता है आपको, वो दो क्वेश्चन ना पहले आपको तकलीफ देंगे फिर आपको रिलीफ महसूस कराएंगे कि ये कंसेप्ट भी आप सीख गए। तो ये बात समझना है आपको, डेली दो क्वेश्चन और ये गिव अवे है ना बेटा। जैसे सर ने बोला था ये गिव क्या, बेटा हमारे तरफ से तो गिव एडवांटेज है, समझ रहे हो, है ना। अब अवे में भी आपको कुछ चीजें मिल जा रही है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एकदम गजब का एकदम जबरदस्त होकर, सर वो तलवार की धार एकदम जबरदस्त करने वाली बात हो गई ना, गिव अवे, आप समझ रहे हो। एक तो हम लोग दो दो क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन सर ने जैसा सेलेक्ट किया है, मतलब नए नए कंसेप्ट उसको कन्वेंशनल ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से, उस पर कई डिस्कशन होंगे, उसके कैसे वेरिएंट हो सकते हैं उस पर बातें होंगी। और उसके बाद बेटा नोट्स बनाना, सर ने बोला, सर ने बहुत ही बेहतर बात बोली कि आप क्या करते हैं ना सर, कुछ बच्चे ना मतलब वो सोचते हैं ना मतलब वो भगवान है, बिल्कुल मतलब वो सर वो गणेश गायतोंडे वाला, मैं भगवान हूँ, मतलब मैं ना मतलब बाद में देख लूंगा यार, मैं PDF देख के ही समझ जाऊंगा सर ने क्या पढ़ाया, समझ रहे। लेकिन बेटा क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है, है ना, ये मैं हम लोग बिलीव कर रहे हैं, आप क्लास में प्रेजेंट रहोगे और अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त बनाओगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर लीजिए बढ़िया तरीके के साथ, अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि वी आर लाइव नाउ, ताकि कोई भी बात छूटे ना, मिस ना होने पाए। और अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो मैं आपके साथ में कवर करने वाला हूँ एनालिटिकल एप्टीट्यूड और उसके साथ साथ स्पेशल एप्टीट्यूड। सो क्या क्या अपन देने वाले हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। 20 क्वेश्चन, ये तो हो गया तीनों का 20 टोटल 60 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा बार सही आंसर देगा, और डेली देखिए, डेली ऐसा नहीं होगा कि हम डेली बोल रहे हैं, डेली हम पुस्तकें बांटेंगे, डेली टेस्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वीक में एक दिन चूज़ करेंगे और वो होगा थर्सडे का डे, ठीक है। तो थर्सडे के दिन जो है वो ग्रैंड गिव अवे वाला पार्ट रहेगा और थर्सडे दो की जगह चार क्वेश्चन होंगे। और अगर आप बात करें तो आज कौन सा दिन है, थर्सडे, इसका मतलब कल
है ना, कल फ्राइडे, और मैं आपको बता दूं कि थर्सडे, हर थर्सडे जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहला। दूसरा, हर थर्सडे को, थर्सडे क्या क्या होगा मैं वो बता देता हूँ, फिर ही अपने सिलेबस की बात करेंगे। थर्सडे जो होगा उसमें गिव अवे वाला पार्ट रहेगा, चलिए वो तो ठीक है। थर्सडे हम ना कॉम्बैट के साथ में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की बात भी करेंगे, सीटीक्यू की बात भी करेंगे, और थर्सडे को हम ना आप लोगों को फ्लेवर ऑफ डोपामीन भी दिखाएंगे। तो थर्सडे को तीन तीन चीज़ें होने वाली है, गेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, डोपामीन लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। अभी डोपामीन क्या है, क्या है आपको पता है, मैं बता दूँ कि कल भी आप जो है वो 12 दैट मीन्स 12 तारीख को आप 1212 रुपए में डोपामिन इंक्लूडिंग जीएसटी ले सकते हो भाई, है ना। तो डोपामिन में ये डोपामिन नहीं है, दिस इज नॉट डोपामिन, ये अलग हो गया, है ना। ये यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट दे रहे हैं वो है। डोपामिन में 555 क्वेश्चन हर एक ब्रांड से कराए जाएंगे, 555, ठीक है। तो वो तो चलो, वो ऐड मैं दो बीच में आया से चलो ऐड कर दिया, बट मैं आपको बता दूं कि थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि थर्सडे फ्लेवर ऑफ डोपामिन देंगे, है ना। उस डोपामिन का ही एकाध कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा मैं। तो इन 60 क्वेश्चन में से अगर मैं 4 हफ्ते डील करता हूं, तो ये मान के चले कि 8 या 10 डोपामिन के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, ताकि आपको डोपामिन का भी फ्लेवर चखने को मिले कि यार अच्छा, ये लोग ऐसा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। वो लेयर्ड क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होगा, जैसे बोलते हैं तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तो आपको दिखेगा कि यार सर्कल के अंदर स्क्वायर हो गया, अच्छा उसके बाद शेडेड में ट्रायंगल बोल रहा है, तो थोड़ा सा उनको दिखेगा, उनको वो फ्लेवर दिखेगा। पिरामिड वगैरह की बात करेंगे, ट्रेपेजियम की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं गेट में। अब धीरे धीरे चूंकि एप्टीट्यूड को लॉन्च किए गेट में, हो गए हैं 11 साल, तो अब ना गेट में एप्टीट्यूड का लेवल भी धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है, और वो चाहता है कि यार आपका 9th और 10th का मैथमेटिक्स ना ताबड़तोड़ हो जाए, प्लस 11th का APGP वाला जो पार्ट था वो भी। तो पूरी चीज़ें हम लोग कराने वाले हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे। सिद्धार्थ सर से जानते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन, कितने कितने, किस किस टॉपिक से लिए हैं और क्यों रखे हैं, क्योंकि IIT खड़गपुर के फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने फ्रेम किया हुआ। इतना दिन लिया तो कुछ तो सोचा होगा, टाइम पास तो नहीं कर रहे थे, मंजीरा तो नहीं बजा रहे थे मंदिर में बैठ के, कुछ तो सोच रहे होंगे ना। तो क्या सोचे और क्यों सोचा वो पूरा एनालिसिस फिर अंशु सर बताएंगे। तो मैं थर्सडे बताने के लिए आया था, लास्ट में मैं अपने 20 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो ये कंप्लीट एक आपको पैकेज पूरा मिलेगा, दैट इज इन YouTube। ऐसा नहीं कि हम दो क्वेश्चन YouTube पे कराएंगे और फिर बोलेंगे चलो अब देखते हैं बात क्या होगी। आई प्रोमिस 11 तारीख 11:11 11:11 खेरा तो आई प्रोमिस कि गेट अकेडमी के बिहाफ में कि हम एप्टीट्यूड आपको इतना स्ट्रांग करा देंगे ना 60 क्वेश्चन से, आपको इतना सारा जो पढ़ रहे हो कि 90 दिन से 100 दिन से लोग आते हैं बोलते हैं मैं 90 दिन कराऊंगा और घुमा फिरा के वही क्वेश्चन इधर का पकड़ के उधर घुमा दिया, उधर से करा दिया। हम जो 60 क्वेश्चन कराएंगे ना, वो फील करोगे कि यार इंडिया में बस इतना एप्टीट्यूड के लिए कर लिया भाई, बहुत है। तो 15/15 का प्रॉमिस है, इसमें मैं इंग्लिश कवर नहीं करने वाला, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखते हैं इन्होंने अपना क्या 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, क्या टॉपिक रखा है और क्यों रखा है। सर जैसे कि देखें अगर अपन, तो जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, और हम तीनों के अलग अलग सेक्शन है। तो मेरे जो सेक्शन है वह एनालिटिकल एप्टीट्यूड और उसके साथ साथ स्पेशल एप्टीट्यूड, तो ये दो सेक्शन आपके मैं लेने वाला हूँ। अब इसमें अगर अपन देखें तो IIT खड़गपुर में सबसे ज़्यादा अभी तक एनालिटिकल एप्टीट्यूड से ही सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि स्पेशल एप्टीट्यूड तो 2021 से ही जोड़ा गया है ना, और स्पेशल एप्टीट्यूड से जितने भी सवाल आए थे लास्ट ईयर भी हमने जब माई 10 क्वेश्चन की सीरीज ली थी तो उसमें जो हमने पढ़ाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आया था, सिर्फ दो क्वेश्चन जो अदर ब्रांच के थे पेपर फोल्डिंग वाले या पेपर कटिंग की डिजाइन वाले, फिगर सिमेट्री वाला वो अलग था, बाकी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, जो जैसा बताया था सेम टू सेम डिट्टो वही वैसा छप करके आया था, है कि नहीं। तो इस बार भी हमारी ये कोशिश है कि इस बार कि गेट कॉम्बैट के सहारे हम आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी लेकर के आए, और जो मेरे सेक्शन से होगा तो IIT खड़गपुर ने अभी तक जिन सेक्शन से सवाल पूछे, जस्ट लाइक अल्फाबेटिकल सीरीज से सवाल पूछा है, क्लॉक से सवाल पूछा है, सेटिंग से सवाल पूछा है, सिलॉक से सवाल पूछा है ना, तो इन टॉपिक्स को तो हमको बेहतर बनाना ही बनाना है। सिलॉक में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, क्योंकि अगर वैसा कोई केस बना तो फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। 2021 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक सवाल दिया गया था जहाँ पर दोनों कंक्लूजन में कंडीशनल केस ऑफ इधर और एप्लीकेबल था, बट आंसर में पहली बार के आंसर में इधर और का केस नहीं दिया गया था।
देन आफ्टर जब रिव्यू डाले गए, आईटीआई फाइल की गई, तब जाकर के फिर सिलोंग में उन्होंने उस आंसर को बदला और कंडीशनल केस ऑफ इधर और अप्लाई किया। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है? तो जब मैं आपको सिलोंग के वो दो सवाल कराऊंगा तो उसके अंदर क्या क्या स्पेशल चीजें हो सकती हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा जहां पर बच्चा गलती करके आता है। तो मुख्य बात ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स कहां हो सकती हैं। जब आप किसी सफर पर निकल रहे हो तो रास्ते में पता होना चाहिए कि कहां गड्ढा और कहां स्पीड ब्रेकर है, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से इस प्रिपरेशन के दौरान हम ये जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं लेकर के आ रहे हैं, तो हम आपको ये बात सिखाएंगे कि कहां पर बच्चा गलती हो सकती है, कहां पर आपको ध्यान रखना है। जैसे सिलॉक्स में केस होता है ओनली का, है ना, रिलेशनशिप के साथ में जब ओनली जुड़ता है तो फिर कहानी को कैसे डील आउट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर गलती करके आते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा इस कॉम्बैट में, तो एक भी एपिसोड मिस मत होने दीजिएगा। 30 एपिसोड्स आने वाले हैं जबरदस्त तरीके के साथ। तो जो इस प्रकार के टॉपिक्स है, है ना, जस्ट लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, और हाँ एक अनसीन पैसेज जैसी चीज आती है, ठीक है, वो उसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है, क्या सोच रखनी और उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। और जहां तक अगर मैं कहूं, है ना, तो भाई अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन, ये तीन चीजें हैं लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड या क्रिटिकल रीजनिंग आप कह सकते हो। हालांकि क्रिटिकल में मतलब रीजनिंग वाला सेक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी भी टॉपिक को किसी के भी अंदर रखा जा सकता है, उसका कोई ऐसा नियम कायदा कानून नहीं होता, बट एक लॉजिकल अप्रोच से चीजें सॉल्व होती हैं, दैट इज वाई मैं उसको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर रखता हूं। तो उसको भी बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, उसके नियम क्या होते हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आपको पढ़ करके अजम्पशन के बारे में सोचना है, कैसे आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचना है, और साथ ही साथ कैसे आपको कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में सोचना है, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन से सवाल बना है भाई खड़गपुर में, तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कैसे डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि जब वो ऑप्शंस होते हैं तो वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते ही दिखाई दे रहे होते हैं, है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम बच्चा, उसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत आसान हो सकती है, वैसे हालांकि आसान किसी के लिए भी नहीं रहेगा, बट हाँ आप मीनिंग समझ सकते हो। बट हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें उनका एकेडमिक पुराना वाला हिंदी मीडियम से रहा है, देन आप डिग्री के लिए आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गए, तो उनके लिए तरीका क्या है, आखिरकार वो कैसे सोचे, है ना। कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि यार सर हमको इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, आपको मीनिंग नहीं पता, हम है, मैं आपको सिखाऊंगा चीजों को कि कैसे आप बिना जाने बहुत कुछ चीजों को बिना समझे हुए भी उन ऑप्शंस को पैसेज से रिलेट करके एकदम एक्यूरेसी के साथ आंसर दे सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉजिकल रीजनिंग में ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे मारा जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स होंगे मेरे साथ जो कि हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और हाँ, हर रोज सारे के सारे क्वेश्चन लिख लेना, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो सर पीडीएफ भेज दो, सर पीडीएफ भेज दो। भाई पीडीएफ नहीं, आपने मेहनत करनी है अपने हिसाब से। पीडीएफ भेजने वाला बात तो होना ही नहीं चाहिए बेटा, है ना। आपको सिंसियर रहना है, हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि आप क्लास में मौजूद रहोगे, इंपॉर्टेंट है ये बात, इंपॉर्टेंट है। और सर ने जो बात बोली लैंग्वेज बैरियर, तो आप फील करोगे ही नहीं। एक्चुअली सर मैंने देखा है आपके क्लासेस में भी, मैंने देखा है, पहले तो क्वेश्चन अपन फील ही करा देते हैं ना, हाँ। फिर क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले फीलिंग ही दे देते हैं क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज का तो बात ही नहीं रहता ना। वो होता है सर, बहुत से स्टूडेंट को होता है ये बैरियर, लेकिन अब फील नहीं कर रहे। अब मैं देख रहा हूँ जो रिस्पॉन्स है बच्चों का, एकदम बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे। गेट का स्पेशलिटी है क्या सर, स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट। इवन क्वांट सेक्शन में भी आप देखोगे कि अगर 22 लिखना है ना तो वो वर्ड में लिखेंगे 22, है ना। वो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट जो है गेट को दूसरे एग्जाम से डिफरेंट बनाता है, लेकिन वो डिफरेंट बनाता है, लेकिन हम लोग आपको फील करा देंगे सारी बातें। हम क्या है कि पोल खोल देंगे पूरा, कि गेट और मैं वादा करता हूं आपसे, जब आप गेट एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो जब वो 10 क्वेश्चन का सेक्शन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आप एंजॉय करोगे इस चीज को कि अरे वाह यार ये आ गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपने चीजें सारी की सारी सॉल्व करके खत्म कर देनी है। लिटरली बता रहा हूं, आपके चेहरे पर स्माइल आना तय है, 110% आप एप्टीट्यूड के सवालों को देख करके खुश हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसा सर ने बताया अपने सेक्शन को, सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। बेटा मैं क्वांट एंड ग्राफ सेक्शन को डील करूंगा, मेरे मतलब मैं गुरुपाल सर के साथ डील करूंगा, है ना। हम आपस में डील करेंगे, कुछ टॉपिक आपको सर पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उस टॉपिक के, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे सर ने मुझे पूछा कि ये बताओ आई आई टी खड़गपुर जो क्वेश्चन देने वाला है
डीआई के क्वेश्चन तो रखेगा ही रखेगा, मैंजुरेशन के क्वेश्चन रखेगा ही रखेगा, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रखेगा ही, तो इसके अलावा क्या रखेगा? इसके अलावा मैंने कहा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रखेगा, क्योंकि हम लोग ने देखा, देखो हम लोग दो ही काम करते हैं, या तो हम सामने आके पढ़ाते हैं या फिर प्लान करते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग है उसमें साफ ये बात है कि भाई आईआईटी खड़गपुर ने लास्ट टाइम ऐसा ही किया था, है ना, एक टॉपिक को पकड़ा। जैसे देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, है ना, कोई क्वेश्चन रहेगा जो कि जीप का रहेगा या टाइगर जो है डियर के पीछे लगा हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और ट्रेन के क्या है, 8 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं बेटा, उस कॉन्सेप्ट को आपस में लेयरिंग करके आपके लिए क्वेश्चन रखा जाएगा। लेकिन आप टेंशन फ्री रहो भाई, 2 क्वेश्चन है, 1 घंटे दे रहे हैं सर, मतलब आप समझो कितना डिस्कस करेंगे भाई, कितना डिस्कस करेंगे, मतलब तो हम लोग क्या करने वाले, मतलब पूरा का पूरा रेसिपी बता देंगे उस टॉपिक का, मतलब खत्म। उस सवाल को और कैसे तरीके से पूछा जा सकता है, अगर वहां से MSQ बना तो फिर MSQ कैसे बन सकता है, उसके आंसर क्या होंगे, सारी कुछ चीजें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे, है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या क्या टॉपिक्स हो जाता है, मैंने बोला ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बातें करेंगे, उसके रेशियोज की बातें करेंगे, रेशियो के बेसिस में स्पीड की बातें करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, और इट्स एप्लीकेशन में मैं बताऊंगा भाई CI क्या है, क्यों वो SI से डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है, और कैसे हम ये बात समझ सकते हैं कि वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, और क्या क्या मेथड हो सकता है, सक्सेसिव परसेंटेज से काम हो सकता है क्या, कि कुछ और मेथड भी हो सकता है, सारी बातें डील करेंगे। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क देखेंगे, उसमें वर्क एंड वेजेस की भी बातें कर लेंगे, है ना, पाइप एंड सिस्टम की भी बातें कर लेंगे। फिर मैंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में आएगा तो भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए रहेगी, 2D रहेगा, 3D रहेगा, 3D के अंदर 2D रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। और DI में आप जान रहे हो बार ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ, ग्राफ्स की बातें करेंगे। और ग्राफ्स में तो ये बात समझ लो कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया ना, हम तो पूरी तरह से तैयार है भाई, एवरेज के भी क्वेश्चन रहेंगे, रेशियो के भी क्वेश्चन रहेंगे, और लेयरिंग करके ग्राफ भी बनवाएंगे आपसे। चलो बेटा जल्दी से बता दो, है ना, कमेंट दिखना चाहिए और एकदम दिलों के बौछार के साथ। ये हुई ना बात जबरदस्त तरीके के साथ। सो मेरे परम्पर विद्यार्थियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि इन्होंने अपना अपना सिलेबस बता दिया, और बिल्कुल हमारा जो फ्लो है एग्जैक्टली वैसा ही होगा जो IIT खड़गपुर चाहता है, जो गेट 2022 का फ्लो होना चाहिए। अब अगर बात मैं कर लूँ, सबसे पहला तो ये जो सवाल है भाई, आर यू रेडी, अगर आप लोग तैयार हो तो हम लोग तैयार है, क्योंकि वो जैसा हम लोग को फीलिंग मिली थी निंजा टेक्निक में, बचपन का प्यार में, सुबह 11 बजे एप्टीट्यूड में, वैसा ही सेम फीलिंग चाहिए। मतलब भाई थे लोग, थे 500 लोग, 800 लोग, 1000 लोग लाइव होते थे, तो वही वाला प्यार चाहिए बरकरार। हार्ट्स बना के बता देंगे कि यस सर वी आर रेडी, और मैं बता दूं कि मैं क्या डील करने वाला हूं, तो उन 20 सवालों में मेरे परम्परा विद्यार्थियों सीधे सीधे नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज जो रहेगा, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज जो रहेगा, इसके सीधे सीधे 10 सवाल रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज के। और मैं बता दूं, अगर आप IIT खड़गपुर उठा के देखोगे 2014, तो नंबर सीरीज को तो भर के दिया हुआ है, सर, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज भी दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट में अल्फाबेटिकल देख लेंगे, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सम ऑफ सीरीज पूछ लेता है, अगर मैं नंबर सीरीज पे ही बात करूं तो कई बार हम लोगों को सम की बात कर लेता है, और सम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो कहीं GPAP दिखाई नहीं रहा, ये सम कैसे करने वाले हैं। तो कई बार ऐसा भी वो तुम लोगों को थोड़ा सा घुमाएगा और तुम लोग बोलोगे हे प्रभु ये कैसा सवाल है, तो मैं बता दूं ये वही सवाल है जो 60 क्वेश्चन हम कराएंगे ना, ये उसी का ही सवाल आप लोग को दिखेगा गेट के एग्जामिनेशन में, जो फरवरी के महीने में 2022 में कूदोगे, छलांग मारोगे, बैठोगे 3 घंटे के लिए जनरल एप्टीट्यूड में, इन 60 सवालों को याद रखोगे, याद करोगे और बोलोगे थैंक यू सो मच सर, दिल से आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप बोलोगे कि हाँ सर बेहतरीन मजा आ गया। 60 सवाल बस कराएंगे, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, खुद से कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ
एक अलग से कॉपी कर रहे और टेस्ट सीरीज जरूर इसके साथ में देना। अब बात आ जाती है क्या आगे, तो मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाले पार्ट में मैं करने वाला हूं बचपन के प्यार के 10 सवाल। तो 10 सवाल मेरे निंजा टेक्निक के, मेरे निंजा विद्यार्थियों, और 10 सवाल बचपन का प्यार। तो ये होगा सुबह कॉम्बैट सेशन। कॉम्बैट सेशन का प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे करने वाले, तो मैं बता दूं, डिस्प्ले किया जाएगा सवाल, आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग टाइम। रिपीट करता हूं, डिस्प्ले किया जाएगा सवाल, आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग टाइम, उस टाइम स्लॉट, उस टाइम फ्रेम के अंदर, हो सकता है 1 मिनट, हो सकता है 2 मिनट, हो सकता है 3 मिनट, हो सकता है 4 मिनट, हो सकता है 5 मिनट, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। रिपीट कर रहा हूं, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, पहला। दूसरा, यहां पर हम हर थर्सडे को मेंटी के साथ में खेलेंगे। मैंने रिपीट किया, गिव अवे सब कब होगा, थर्सडे होगा, तो हर थर्सडे हम मेंटी के साथ में खेलेंगे, हर थर्सडे हम तीनों रहेंगे, हर थर्सडे हम तीनों रहेंगे, बाकी दिन अपने अपने दो दो सवाल चलेंगे, हर थर्सडे हम तीनों रहेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सवाल का समय समाप्त होने के बाद में पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, आपको आपकी कॉपी में नोट करवाया जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये लाइन अंडरलाइन करनी थी, ये आपको देखना चाहिए था आपसे बना कि नहीं बना, और आप बोलोगे यस सर हमसे बन गया, उसके बाद भी सॉल्व कराया जाएगा 15 मिनट। तो आपको दिए 5 मिनट क्वेश्चन के, 15 मिनट सॉल्व करने के, 2 सवाल अगर पकड़े तो 20 और 20 हो गए 40 मिनट, 40 मिनट, और 10 मिनट हमारे को दे दो। 50 मिनट के लेक्चर में, मतलब 11 से 11:50 के बीच में तुम 2 कंसेप्ट लेकर के जाओगे, और एप्टीट्यूड में 60 कंसेप्ट से ज्यादा ऊपर है ही नहीं यार, एप्टीट्यूड में 60 कंसेप्ट 60 कंसेप्ट से ज्यादा ऊपर है ही नहीं। तो इसका मतलब सर क्या करने वाला है, पूरा, इसका मतलब सर पूरा होने वाला है। तो ये मेरे था टॉपिक, और आप है तैयार, हम भी हैं तैयार, और मैं बता दूं 11:39 हुआ है, 11:40 मान के चलो, तो जो 40 मिनट में हमने समराइज किया, जो 40 मिनट में हमने बताया मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, कल धांडे सर का बर्थडे है, इसीलिए कल उनकी स्पेशल क्लास होगी, है ना। अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सस्पेंस वाला पार्ट रहे आपके लिए भी, मेरे लिए कोई सस्पेंस नहीं है क्योंकि हम ही लोग सब फैकल्टीज मिलके प्लान करेंगे, बट धांडे सर के लिए कुछ सस्पेंस रहेगा, वो सस्पेंस क्या वो छोड़ते हैं अभी। तो कल हमारी एप्टीट्यूड की क्लास हम नहीं रखने वाले हैं, हम क्लास रखेंगे डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन्स क्या आएगा, 13 से सैटरडे से। तो सैटरडे विल बी द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ एप्टीट्यूड, वहां पर एक क्वेश्चन होगा मेरा, एक क्वेश्चन होगा मेरा, और एक क्वेश्चन होगा अंशु सर का, हम दोनों स्टार्ट करने वाले हैं 13 तारीख को, आप मिलेगा लाइव। फिलहाल के लिए, आज के लिए यहीं पर इसको देते हैं विराम, थैंक यू सो मच। जाते जाते पूरी ईमानदारी के साथ मेरे भाई, हार्ट्स तो बने बने फर्क नहीं पड़ता, जाते जाते कमेंट जरूर लिख देना पूरी ईमानदारी के साथ में। जय हिंद, जय हिंद।